रैलियों का ये सिलसिला जारी है। कलायत के बाद शाहपुर यमुनानगर में भी रैली, तो वहीं जन आशीर्वाद रैली को सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे। आपने सुना, भारी संख्या में जनता पहुंची है सीएम को सुनने के लिए। तस्वीरें आपने देखी, सीएम का संबोधन भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, जनता का आशीर्वाद मुझे चाहिए और तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा मंच से नायब सिंह सैनी ने किया। कांग्रेस पर भी निशाना उन्होंने साधा है। चुनावी रैलियों का सिलसिला, सीएम की चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी है। देखिए आज बैक टू बैक ये रैलियां, उसके बाद दिल्ली का भी दौरा है। दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि नेताओं से मुलाकात करेंगे, बैठक हो सकती है। तो एकदम फुल एक्शन मोड में नायब सिंह सैनी लगातार नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है नायब सिंह सैनी ने। इसी कड़ी में जन जन तक पहुंचने के लिए तमाम रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज की भी कार्यक्रम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और तस्वीरें, सीएम चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, जनता तक पहुंचने के लिए ये तमाम कार्यक्रम जो है पार्टी की तरफ से रखे जाते हैं। जनता को संबोधित जब नायब सिंह सैनी कर रहे हैं तो तमाम योजनाएं सरकार की गिना रहे हैं। अब तक 10 साल में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन तमाम योजनाओं का जिक्र जनता के आगे कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पर भी अलग अलग मंचों से निशाना साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी लगातार नजर आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। इधर कांग्रेस की अगर माने तो कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा से सफाया हो जाएगा बीजेपी का इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो वहीं बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही है और इसी कड़ी में तमाम ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, बैठकों का दौर भी पार्टी में लगातार जारी है क्योंकि चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। तो उसके बाद अब पूरा फोकस पार्टी का कहीं ना कहीं टिकटों पर भी है। यमुनानगर से मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या और जानकारी सीएम की रैली को लेकर? देखिए आज शाम जो है 5 बजे मुख्यमंत्री यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में जो है दशहरा ग्राउंड में रैली करने जा रहे हैं। इस एक सप्ताह में जिला यमुनानगर में जो है सीएम नायब सैनी की दूसरी रैली यहां पर होने जा रही है। इससे पहले जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के छत्रों रैली कर जो है इसी सप्ताह गए हैं सीएम सैनी और अब जो है यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में जो है आज उनकी रैली होने जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी जो है बीजेपी ने यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से बढ़त बनाई थी, करीब 15,000 वोटों से जो है बीजेपी आगे रही थी और आज जो है यहाँ पर सीएम नायब सैनी लोगों को जो है अपना संबोधन देंगे और बीजेपी ने जो 9 साल में काम किए हैं उन्हें जो है जनता के समक्ष रखेंगे। जी सुनील, लगातार सीएम की चुनावी रैलियां जो है वो देखी जा रही हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं मंच से, कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। आम लोगों की बात करें, प्रदेशवासियों की अगर बात करें तो जनता पर किस तरह का इम्पैक्ट इन रैलियों से, इन जनसभाओं से पड़ रहा है? जी देखिए, जनता पर जो है इन दिनों जिस तरह से चुनावी चर्चाओं का माहौल हर जगह पर गर्म है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है सभी जगह से सामने आ रही है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार सक्रिय हो रही है उसमें भी जो है लोग जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है छछरौली में जो है कुमारी शैलजा की भी रैली होने वाली है जिसको लेकर जो है कांग्रेसी प्रोत्साहित हैं और जिस तरह से अब जो है हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी कांटे की टक्कर लग रही है तो सभी लोगों की जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए लोगों की तो मिली जुली राय सामने आ रही है लेकिन पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं अपनी तैयारियों को लेकर।